कोरोना के पेशेंट ने हॉस्पिटल कब दाखिल होना है, इसके बारे में आज बात करेंगे। क्या है कि यदि आपको बुखार आता है, नाक बहना है, आंखें लाल हो गई है, बदन में दर्द है, थोड़ा सा जी मछलाना वगैरह है, उल्टी हो रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मगर ये जो लक्षण है, तो अनलेस प्रूव अदरवाइज, अभी ये पैंडेमिक में समझना कि ये कोरोना है, मतलब इसमें से कोई भी लक्षण है समझना कि भाई कोरोना हो सकता है, और आपको उसके लिए टेस्ट करना आवश्यक है और टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आप इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुखार है, नाक बहना, खांसी, आंखें लाल होना, बदन में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी आना, दस्त लगना, तो तुरंत जाके अपना इलाज करना जरूरी है, अपना टेस्ट करना जरूरी है। पहले RT-PCR टेस्ट 2-3 दिन के बाद में आप कर सकते हैं, मगर RT-PCR टेस्ट का क्या है कि वो 10-30% लोगों में निगेटिव आती है। यदि आपकी टेस्ट भी निगेटिव आ रही है मगर लक्षण है, तो आपने आइसोलेट होना है। RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो सवाल ही नहीं आता, RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में तो फिर तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा, और आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं, और इलाज कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की कुछ बात नहीं है। यदि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव भी है मगर लक्षण एकदम माइल्ड है, एकदम लक्षण माइल्ड है, और माइल्ड लक्षण मतलब बुखार 99-100 मतलब वो रेंज में है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 94-95 है ना, ऐसा कुछ बहुत चिंता वाली बात नहीं है, 94 है ऑक्सीजन लेवल, और बहुत ज़्यादा ऐसी तकलीफ नहीं है, तो आप घर में रह के डॉक्टर के निगरानी में आप आपका इलाज कर सकते हैं। तो फिर 90% लोग तो घर में इलाज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि लोग घबरा के हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, और हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो अभी इसमें करना क्या है, घर में कैसा इलाज करना है आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि घर में जब इलाज करते हैं तो आपने किसी से मिक्स नहीं होना है, होम आइसोलेशन मतलब होम आइसोलेशन। अभी क्या हो रहा है कि लोगों के जिनके घर छोटे हैं वो भी होम आइसोलेशन में जा रहे हैं, और उनके 250-300 स्क्वायर फुट के मकान है, सबसे मिलते जुलते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर क्या होम आइसोलेशन है। होम आइसोलेशन मतलब एकदम अलग कमरा होना जरूरी है, उसने वो व्यक्ति ने किसी से मिलना नहीं है, उसने कमरे के बाहर भी आने का नहीं है, उसको खाना देने के लिए किसी ने अंदर जाने का नहीं है, दरवाजे के बाहर खाना रखो स्टूल के ऊपर, वो जाके खाना उठा लेगा, अंदर जाके खाना खाएगा। उसने बाहर के बाजू में खिड़की होंगी तो खोलने का है, एग्जॉस्ट फैन रखो, और घर में यदि बुजुर्ग लोग हैं तो उनको तो बिल्कुल ही मिलने मत दो। तो ये होम आइसोलेशन का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है आपके डॉक्टर को सलाह करके आपने मेडिसिन देना जरूरी है। डॉक्टर यूजुअली क्या करते हैं कि पैरासीटामोल देते हैं, और पैरासीटामोल से बुखार उतर जाता है, दर्द वगैरह कम हो जाता है, और पैरासीटामोल के साथ में डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वायरस जो इम्यूनिटी खलास कर देता है, इसलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी देते हैं। यदि आपको गर्म पानी की भाप लेना है तो वो ले सकते हैं, गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, और उसमें एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल ऐसी भी दवा देते हैं, एंटी पैरासाइट ये भी दवा देते हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, विटामिन सी विटामिन देते हैं, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, या मल्टी विटामिन की दवा देते हैं, तो ये लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको गैस्ट्राइटिस है, पेट में जलन हो रही है, डायरिया है, तो वो भी दवा आपको डॉक्टर देंगे। फिर आपके खाना पीना कैसा होना है, खाना पीना एकदम अच्छा खाना है, मगर लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट, और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। और प्रोटीन ज़्यादा मतलब हाई प्रोटीन में आप वेजिटेरियन है तो आप बहुत ज़्यादा पनीर खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी आप है तो आप अंडे, बॉइल्ड एग्स, फिश, चिकन, मटन ये खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना है, पानी 2.5-3 लीटर पानी पीने का है, तो और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने का है, फैट कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना बहुत ही जरूरी है। आपका माइंडसेट जो है वो माइंडसेट अच्छा रखना जरूरी है। माइंडसेट में क्या हो रहा है कि आज इतना पैनिक हो गए लोग, बहुत डरे हुए हैं, इंसान तो क्या मालूम है, क्या इंसान वैसे बहुत डरा हुआ इंसान है। अब तो पैनिक है, जहाँ वहाँ से न्यूज़ आ रही है, और टीवी चालू करो तो कोरोना है, मोबाइल देखो तो उसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस है, जली हुई लाशें दिख रही है, लोग लाइन में लगे लाश जलाने के लिए, हॉस्पिटल भरे हुए, जगह नहीं है, सीरियस पेशेंट को लोग देख रहे, रस्ते पे लोगों ने लोग रखे हुए और वहाँ ऐसे मतलब सीरियस होके पड़े, हॉस्पिटल बेड्स नहीं करके लोग रस्ते पे मरे, मतलब ऐसे वीडियोज आ रहे, बिल्कुल बंद करो देखना, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखो, किताबें अच्छी पढ़ो, मेडिटेशन करो, सेल्फ हिप्नोसिस करना है, सेल्फ हिप्नोसिस करके अफर्मेशंस देने का है पॉजिटिव, और बिल्कुल मस्त रिलैक्स रहो, कुछ होने वाला नहीं है, डेथ रेट बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, और आप अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल डेथ होने का कोई चांस ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, 7-8 दिन घर में रहते हैं, बाद में फिर रश करते हैं हॉस्पिटल में, जब सीटी स्कोर उनका 12-15-20 ऐसा आता है तब जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो प्रॉब्लमेटिक है।
आरटीपीसीआर पॉजिटिव थी फिर भागेंगे 7वें 8वें दिन, तो वो नहीं करने का है आपको। एकदम माइल्ड सिम्टम है तभी भी वही केयर करना जरूरी है। तो माइंडसेट आपका अच्छा रखो। घर में रहते हैं तो घर में आपने मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। जैसा टेम्परेचर गन आपके पास में रखो, थर्मामीटर रखो, हर 4-4 घंटे में टेम्परेचर ले रहे हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर रखो। SpO2 लेवल जो है वो 94 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये 94 के नीचे आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ हॉस्पिटल में जाने का काम पड़े, तो कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ बेड खाली है, अपनी तैयारी रखो। फिर वो मतलब पल्स ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर ये आप कंट्रोल करते रहते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज। तो सवाल आता है कि आपने हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन की लेवल यदि 94 के नीचे आती है तो आपने प्रॉप्ड पोजिशन होना चाहिए। प्रॉप्ड पोजिशन में सोना चाहिए, मतलब ये भाग जो है आधा हिस्सा ऊपर का वो ऊपर है और पैर का हिस्सा नीचे है। आप ऐसा सो रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा सो रहे हैं, पैर का हिस्सा नीचे ऐसा सो रहे हैं आप, पीछे से पूरा ऊपर कर लेने का है। वहाँ नहीं होता है फिर आपने प्रोन पोजिशन सोने का है, मतलब छाती के ऊपर, सीने के ऊपर सोने का है, तकिया लेने का है और सांस लेना छोड़ना सांस लेना। तो क्या होता है कि ये जो मसल्स है ये बहुत कम काम करती है अदरवाइज, तो वो प्रोन पोजिशन में काम करना चालू करेगी और उससे लेवल बढ़ जाएगी। 91 और 94 के बीच में ऑक्सीजन लेवल है तो कोई चिंता का काम नहीं, फिर घर में रह सकते हैं। यदि प्रोन पोजिशन में आप रहेंगे तो तुरंत आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को, मगर प्रोन पोजिशन में रहने के बाद में भी यदि लेवल 90 के नीचे जाती है तो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो वो आपको करने का है। देखो हॉस्पिटल कब जाना है, बुखार है उतर नहीं रहा है पैरासीटामोल से ज़्यादा डोज लेने के बाद में, बुखार है नंबर एक, 10 लगे हुए मतलब डायरिया है, नंबर 3 एग्जॉशन है मतलब बहुत थकान आई हुई है बॉडी एक्स, नंबर 4 ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आ रही है और ये प्रोन पोजीशन रख के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, नंबर 5 खांसी है कंटिन्यूसली रुक नहीं रही है, और नंबर 6 होश नहीं है बराबर, कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं, भुलक्कड़पना है या कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, ख्याल नहीं रह रहा है और उनको नहीं समझ रहा कि डेट डेट क्या है, कौन सा टाइम है क्या, तो थोड़ा सा होश में ऐसा लगता है कि थोड़ा आधा अधूरा होश ठीक नहीं है। तो ऐसे 6 लक्षण है तो घर में रहने का ही नहीं है, बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ जाने का है। हॉस्पिटल में पहले से जैसा मैंने बताया आपने वो देखना है कि भाई हमको कौन सा हॉस्पिटल जाना है, उसका नंबर है कि नहीं, कितना दूर है, घर के पास में है क्या, बेड्स अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ कितनी व्यवस्था है, पहले जानकारी करके फिर एंड टाइम पे जब 90 के नीचे आ रही है ऑक्सीजन की लेवल फिर दौड़ धूप कर रहे तो होगा नहीं। खांसी नहीं रुक रही है, बुखार है, तो आप तब तक आपके डॉक्टर के सलाह के अनुसार चेस्ट का सीटी स्कैन कर सकते हैं, HRCT बोलते हैं उसको, और उसका लेवल आप देख सकते हैं। उसका लेवल यदि 5 के ऊपर है तो फिर तो घर में रहने का सवाल ही नहीं आता है, आपने हॉस्पिटल जाने का है। 5 या 5 के ऊपर है तो हॉस्पिटल में चले जाने का है। तो ये सब दवाई है। बाकी रेमडेसिविर का रोल बहुत लोगों का ना है नहीं है और कितने मात्रा में देने का है डॉक्टर ठहराएंगे, आप डॉक्टर को फोर्स मत करो। ऑक्सीजन बिल्कुल ही जरूरी है। यदि ऑक्सीजन 91-94 के बीच में है तो घर में भी है, आपके पास में यदि कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो आप ले सकते हैं या प्रोन पोजिशन में कर सकते, तो उसमें नॉर्मल हो जाएगा। 90 और 90 के नीचे है तो फिर घर में रहने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुरंत आपने भागना है हॉस्पिटल की तरफ। तय आप करेंगे तो हो जाएगा, डरने के काम नहीं। माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट। ये पाया गया स्टडीज में कि जो लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव था वो लोगों को कुछ नहीं हुआ, सीरियस होके भी घर में आए। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि 80 साल के लोग, 85 साल के लोग, 90 साल के लोग, उन्होंने कोरोना के ऊपर मतलब उसके ऊपर जीत हासिल किया ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। और जो लोग अच्छे थे और उन्होंने अपना आत्मविश्वास ही गंवा दिया कि कुछ नहीं होने वाला, मैं मरने वाला हूँ, वो मर गए। मतलब ऐसा होता है इसमें। माइंडसेट पॉजिटिव रखना, रिलैक्सेशन करना, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ही जरूरी है, और वो आप करते हैं तो इसमें से बाहर आना कोई असंभव नहीं है, बाहर आसानी से आ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को स्प्रेड करो ताकि लोगों का जो पैनिक है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।